टाइम हो रहा है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ लोगों को। मेरा नाम है यश, मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, मेरे को ट्रैवलिंग करना पसंद है। बट ऐसा मैं पहले नहीं था। जब मैं बचपन में 8th क्लास तक मेरी ये हालत थी कि अगर कोई सडनली मुझसे मेरा नाम भी पूछ ले, मैं उन्हें बता नहीं पाता था। और मैं बिल्कुल ऐसा था कि मम्मा मम्मा हर चीज़ में मम्मा, कि कोई कुछ भी पूछे मैं नहीं बता पाता था। मेरे को ओनली घर पर रहना पसंद था और कुछ पसंद नहीं था मुझे। तो वहाँ से लेकर और अभी ये जर्नी कि मैं आप सभी लोगों के सामने खड़ा हूँ, 8th तक जब मैं ऐसा था, उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने DID देखा, डांस इंडिया डांस। तब तक मेरी कोई हॉबी नहीं थी, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट टाइम मैंने डांस इंडिया डांस देखा, उसमें मैंने देखा प्रिंस। और जब मैंने डांस देखा फर्स्ट टाइम, मेरे को लगा कि यार ये एक चीज़ है जो मेरे को करनी है, ये एक चीज़ है जिससे मेरे को सुकून मिल रहा है। जब उस चीज़ को मेरे को देख के इतना सुकून मिल रहा है, अगर मैं उसे करूँगा तो मेरे को कितना सुकून मिलेगा, ये चीज़ मेरे अंदर आई। तो मैंने डांस करना स्टार्ट किया। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरे सारे घर वाले डॉक्टर हैं, मेरे पापा अंकल, मेरा छोटा भाई, मेरे जितने बड़े भाई हैं सब डॉक्टर्स हैं। तो कभी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं उन्हें बता पाऊँ कि मुझे डांस के करियर को आगे तक लेके जाना है। तो मैंने स्टार्ट करा डांस, मैं वॉशरूम में करता था, मैं लोगों की बरातों में डांस करता था, मैं स्कूल का कोई भी फिर चीज़ हो, मैं फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मैं वहाँ पर बस डांस करता था और मेरे को सुकून मिलता था इस चीज़ से। तो मेरे लिए क्या था कि मेरे को सुकून चाहिए था कि ठीक है मैं अच्छा हूँ, मैं हैप्पी हूँ इस टाइम पर। धीरे धीरे मुझे लगा कि यार अब इसे मेरे को एज अ करियर आगे लेके जाना है। तो बट घर वालों को सब डॉक्टर, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा ये। उन्होंने मेरा 12th के बाद ही उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना तो तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो मैंने कहा ठीक है बट डांस में नहीं जाना। तो उन्होंने मेरा रेजोनेंस में एडमिशन करा दिया कि तुम IIT की कोचिंग लोगे और तुम इंजीनियर बनोगे। मैं आता था रेजोनेंस कोचिंग लेता था, बट रेजोनेंस के पीछे एक डांस क्लासेस थी। रेजोनेंस की क्लास ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ जाता था, मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। क्यों? क्योंकि मुझे उससे सुकून मिल रहा है। मेरे को नहीं लगा कि मैं इंजीनियर बन के भी क्या कर लूँगा, मैं हैप्पी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। और उसी टाइम पे एक अच्छा खासा शो स्टार्ट हो रहा था स्टार प्लस पे, और उसके ऑडिशंस हो रहे थे जयपुर में। मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर वालों से बात करी कि मुझे वो ऑडिशन देना है, मुझे जाना है इसमें। तो वही घर पे थोड़ी सी बात बात हुई, बातें बिगड़ी और उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं जाना। तो बात इतनी बिगड़ गई कि मैं पैक था रूम में कि तुम्हें नहीं जाना ऑडिशन देने। तो कोई बात नहीं, जयपुर के ऑडिशंस मैंने मिस करे। कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि अहमदाबाद में ऑडिशंस हो रहे हैं सेम सीरियल के। मैं भाग गया घर से, मुझे मेरा सपना पूरा करना था तो मैं भाग गया घर से। 28th को वो ऑडिशन था, मैं 27th को मॉर्निंग में अहमदाबाद पहुंचा। और नाइट में जब मैं उस स्कूल के आगे गया जहाँ पे ऑडिशंस होने वाले थे, वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि ऑडिशन 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं। और एक ड्रेस थी मेरे पास, ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे सुकून मिल रहा था। मैं 10 दिन अहमदाबाद रुका, 10 दिन बाद मैं 5th राउंड तक गया, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, दिल टूटा। लगा कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने डांस को अभी 3 से 4 साल तक मैं लगातार डांस कर रहा था, मैंने डांस को अपना सब कुछ दिया, मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, मैं भाग गया, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये एक तरफा प्यार वाली चीज़ हो रही है मेरे साथ, कि मैं डांस को प्यार कर रहा हूँ बट डांस मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल दिल टूटा मेरा। मैंने आया, मैंने कॉलेज ये स्टार्ट किया, कॉलेज में भी मैंने डांस किया, फिर भी ट्राई रखा कि नहीं मुझे करना है। बट वही बोलते हैं ना कि डांस करते करते यह हालत हो गई कि मेरी 10 बैकलॉग आ गई इंजीनियरिंग में। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, कि प्रोफेशन भी चाहिए होगा अगर आगे मेरे को मेरा सपना लेके जाना है, तो मेरे को प्रोफेशन भी साथ के साथ चाहिए होगा। बट ठीक है, फिर मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट करी। बट मैंने मेरे कॉलेज में एक भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे मैंने डांस नहीं किया हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो जगह हो जहाँ पे मेरा गार्ड बैठता है, चाहे वो कोई शिव मंदिर था हमारे कॉलेज का, या मेरे क्लास टीचर का केबिन था। मैंने हर जगह डांस किया, मैंने हर जगह मेरी प्रैक्टिस करी। पर धीरे धीरे बोलते हैं कि सपने टूटे, दिल टूटे, कुछ लोग नए मिले थे वो छूटे। तो धीरे धीरे वो यश वापस से उसी बचपन में जा रहा था जब वो 8th क्लास में था।
कॉलेज खत्म होते होते मेरी हालत हो गई थी कि मैं वापस से वही यश बन गया था कि ठीक है मुझे अकेले रूम में बैठना पसंद हो गया था, मेरे को नहीं जाना, सब कुछ छूट गया था। और ये चीज़ मुझे तब समझ में कि मुझे ऐसा लगा कि हर कोई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है, बट मैं उनमें से था। अगर कोई मेरे को बोले कि ये नदी है तुम्हें इसकी गहराई नापनी है, मैं बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद जाऊँगा, और वो ही मैं कर रहा था। तो मैं डूबा, और उस डूबने के बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं डूबता ही जाऊँगा, और मुझे नहीं बनना था वापस से वो यश। मैंने जॉब स्टार्ट करी पर कोई मज़ा नहीं आ रहा था, मैं डेली घर से जॉब जाता था वापस आता था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब मैं मेरे घर से निकला तब मुझे दिखे एक बाइकर्स का सैलाब दिखा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे साइड से एकदम से 10 से 15 सुपर बाइक्स निकली, सब लोग प्रॉपर राइडिंग जैकेट्स ये सब कुछ पहना होता उन लोगों ने। जब मैंने उन्हें देखा तो वो किक जो मेरे को फर्स्ट टाइम डांस को देखने में लगी थी, वो किक मुझे वापस लगी कि यार ये क्या हो रहा है। और वो लोग थे साउथ साइड के, मैंने कहा यार ये लोग साउथ साइड के होके ये राजस्थान ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी बाइक पे, ऐसा कैसे? फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि यार ये लोग सब एक लोग ग्रुप में जा रहे हैं। तो वापस से वो किक मिली मुझे, और मैंने यूट्यूब करा, मुझे दिखे मुंबई का निखिल, जेसन, तो वो बचपना वापस जागा, क्योंकि ये बचपना है मेरे अंदर। मैं भले कल ही मैं 28 का हुआ हूँ, बट जो एक बचपना है मेरे अंदर वो कभी नहीं गया। मैं ऐसा हूँ जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर उसे कोई खिलौना चाहिए होता है वो उसके पीछे लग जाता है कि मुझे ये चाहिए, वो उसके पीछे लग जाएगा, वो जिद करेगा, बट वो ये नहीं सोचता कि उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, बट वो ट्राई पूरा करता है उसको पाने का। वो अपने मम्मी पापा के सामने रोएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, वो पूरा ट्राई करता है कि उसे वो खिलौना मिले। ठीक है, वो अलग बात होती है उसे वो खिलौना मिलता है कि नहीं मिलता, बट वो अपनी साइड से पूरा करता है। ऐसा ही कुछ मैं था और हूँ भी, और शायद आगे रहूँगा भी, कि मैं वही छोटा बच्चा रहूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं अपना 100% दे दूँगा कि मुझे वो चाहिए। मेरे को वो मैटर नहीं करेगा कि मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट जो वो मेरी जर्नी होगी वो ही मेरे लिए सक्सेस होगी, कि वो जो जर्नी मैं जी रहा हूँ उस गोल तक जाने के लिए वो मेरे लिए सक्सेस है मेरी। तो ऐसे ही जब मैं मेरा तिनका ऐसे ही डूब रहा था तब मेरे को राइडर्स दिखे, मैंने अपना चैनल चालू करा, और हमारी फर्स्ट राइड थी मेरी शाइन बाइक पे खाटू श्याम जी की। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स की राइड थी, पहली राइड सर्दियों में हमने करी। फ्लैट सीट पे बैठ के मुझे दर्द का महसूस हुआ कि क्या होता है राइड पे, बट वहीं मुझे वापस से वो सुकून मिला। और वो सुकून क्यों मिला, जब मैंने जयपुर से राइड स्टार्ट करी और जब मैं खाटू श्याम जी पहुंचा, तो वो पहुंचने की खुशी में जो मैंने एक चीज़ करी वो थी डांस। मैंने वहां जाके भी डांस करा, इतना खुश हो गया था मैं कि मेरे को वो डांस के साथ ही निकला कि एकदम से यार मैं पहुंच गया यहाँ पे, कि मैंने कुछ कर लिया आज। धीरे धीरे वो खाटू श्याम जी वाली जो डिस्टेंस थी वो कन्वर्ट हुई उदयपुर, माउंट आबू, शिमला, धनौल्टी, और ऐसे ही धीरे धीरे अब मैं राइड अपनी डेस्टिनेशन चेंज करता रहता हूँ। तो राइड ये सब करने के बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या मिला मुझे, सक्सेस मिली कि नहीं मिली, क्या थी मेरे लिए सक्सेस। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, 10 बैकलॉग लगी, प्यार नहीं मिला, दोस्त नहीं मिले, उस टाइम में बिल्कुल टूट चुका था। YouTube चैनल था बट सब्सक्राइबर नहीं थे मिलियंस में, व्यूज़ नहीं थे मिलियंस में, तो मेरे लिए क्या थी सक्सेस, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे लिए क्या है सक्सेस। तो तब जाके मुझे एक चीज़ समझ में आई कि घर वालों ने मेरा नाम तो रखा था यश, बट उस यश को सार्थक करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो ही मेरे लिए मेरी सक्सेस है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई, और उसी सक्सेस के लिए मैं क्या करता हूँ कि चाहे मेरा दिल टूटा, चाहे मेरा डांस छूटा, चाहे कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में, मेरे सुख दुख, मेरी यारी दोस्ती प्यार जो भी था मेरे साथ, मैं उन सबको मेरी हर जर्नी पे एक बोतल में एक मिट्टी के तौर पर लेके जाता हूँ, और मैं जिस भी रूट से जाता हूँ मैं उसे अपने साथ छोड़ता हुआ जाता हूँ एज अ मार्क। वो चीज़ मेरे को चाहिए कि मैं हर जगह पे अपना मार्क छोड़ना चाहता हूँ। आज मेरे में एक छोटी सी आदत है, क्यों बचपना तो है ही मुझ में, मैं अगर कहीं पे चाय भी पी रहा हूँ तो उन आंटी से मैं उनकी बातें करने लग जाता हूँ कि आंटी आपकी क्या हाल है, मैं उनके बच्चों के बारे में जानता हूँ, वो मेरे बारे में जानते हैं। अगर मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो जाते ही मैं उस बंदे को, वो बंदा मेरा नाम तक जानता है, क्यों? क्योंकि मैं भी जाते उसे ग्रीटिंग देता हूँ कि जय माता दी भैया, पेट्रोल डाल दीजिए। तो मेरे में ये चीज़ है कि मैं जाते एकदम से एक्सप्लोर करता हूँ कि मेरे को सबसे मिलना अच्छा लगता है, सबसे बात करना अच्छा लगता है, सबके साथ बैठना। मेरे को नहीं पसंद कि
कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मैंने फेस कर रखी है, मैं अकेला रह चुका हूँ, मुझे पता है कि बातें अंदर रखने में क्या होता है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई बंदा है यहाँ पर तो मैं उससे बात करूँगा, मैं उसके बारे में पूछूंगा। तो ये चीज़ थी मेरे बारे में, तो मेरे लिए यही सक्सेस है और यही है मेरी सक्सेस, कि कभी रुकना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कई चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, बट जो वो जर्नी है वो ही मेरे लिए सक्सेस है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। और मैं कभी मैं कभी गुड बायज नहीं बोलता कि ठीक है आज मैं यहाँ आया, मैंने आप लोगों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बट मैं कभी गुड बाय नहीं बोलता। मेरे लिए एक नई जर्नी आज यहाँ से भी स्टार्ट हुई है, तो मैं वही बोलूँगा जो मैं मेरी हर जर्नी स्टार्ट होने में बोलता हूँ, कि मेरा नाम है यश एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। एंड एक छोटा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा, कि मुझे लगा नहीं था कभी कि मैं ऐसे आके कुछ लोगों के सामने मैं अपनी स्टोरी बता पाऊँगा। ये सब हुआ रेनू मैम की वजह से। मेरे पास इनका जब इनविटेशन का मैसेज आया, एक घंटे तक मेरे गूज़बम्स बंद नहीं हुए थे। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने इनको रिप्लाई भी नहीं किया था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अपने दोस्तों को भेजा, मैंने कहा यार ऐसा कुछ हो रहा है और मेरे को बुला रहे हैं कि कैसे। तो ये चीज़ जो भी हुई, आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बता रहा हूँ।